पाकिस्तान की हिफाजत और आइन के तहफ्फुज का हलफ लेकर फौज में शमूलियत इख्तियार करने वाले जनरल परवेज मुशरफ ने इख्तदार के लालच और ताकत के नशे में आइन शिकनी का वो फेल अंजाम दिया जिसकी वजह से रहती दुनिया तक इसे अदालती फैसले के मुताबिक एक मुस्तनद गद्दार के तौर पर याद रखा जाएगा। आइन की पामाली करके मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर 1999 से 2008 तक तकरीबन 9 साल आर्मी चीफ रहने वाले परवेज मुशरफ ने 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर भी कब्जा जमाए रखा। परवेज मुशरफ 11 अगस्त 1943 को बर सगीर की तकसीम से कबल दिल्ली में पैदा हुए थे। पाकिस्तान बनने के बाद उनका खानदान कराची में आबाद हो गया था जहां उन्होंने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने काकुल में कायब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की और 1964 में इदारे से ग्रेजुएशन करने के बाद पाक फौज में कमीशन हासिल किया। मैदानी जंग का इन्हें पहला तजर्बा 1965 की पाक भारत जंग के दौरान हुआ और उन्होंने एलीट स्पेशल सर्विस यानी SSG में 1966 से 1972 तक खिदमात अंजाम दी। भारत के साथ 1971 की जंग के दौरान परवेज मुशरफ SSG कमांडो बटालियन के कंपनी कमांडर थे। 1971 के बाद उन्होंने कई अस्करी असाइनमेंट्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फौज में तेज़ी से तरक्कियां हासिल की। अक्टूबर 1998 में उन्हें उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। ताहम एक साल बाद ही उन्होंने एक पुरअमन बगावत के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और बाद में सदर बन गए थे। 12 अक्टूबर 1999 को फौज ने उस वक्त वजीर आजम हाउस पर कब्जा किया जब नवाज शरीफ ने परवेज मुशरफ को श्रीलंका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट उतरने से रोक दिया। इसकी इतला मिलने पर परवेज मुशरफ ने एमरजेंसी का ऐलान कर दिया, आइन को मुअत्तल कर दिया और चीफ एग्जीक्यूटिव का किरदार संभाल लिया। गो के पाकिस्तान में बगावत के खिलाफ कोई मुनज्जम मुजाहरे नहीं हुए लेकिन आलमी बिरादरी की जानिब से इस इकदाम पर भरपूर तनकीद की गई। बाद अज़ां जून 2001 में परवेज मुशरफ पाकिस्तान के सदर बन गए। परवेज मुशरफ के सदर बनने के चंद ही माह बाद अमरीका में 11 सितम्बर के हमले हो गए। इसके बाद उन्होंने अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को इसका इत्तेहादी बना दिया और अपने इस फैसले का साबिक फौजी हुक्मरान कई मौके पर दिफा करते रहे। परवेज मुशरफ ने अक्टूबर 2002 में आम इंतखाबात कराए जिसके दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद मुतहदा कौमी मूवमेंट और 6 मजहबी जमातों के इत्तेहाद मुतहदा मजलिस अमल के साथ इत्तेहाद किया। इस इंतखाब के साथ परवेज मुशरफ 17वीं आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गए जिसने 1999 की बगावत के साथ साथ इनके इख्तियार किए गए कई दीगर इकदाम को कानूनी हैसियत देने में मदद की। जनवरी 2004 में परवेज मुशरफ ने पार्लियामेंट के दोनों अवानों और चारों सूबाई असम्बलियों से 56% की अक्सरियत से एतमाद का वोट हासिल किया और इनके सियासी मुखालिफिन की जानिब से मुतनाज़ा करार दिए गए अमल में वो मुंतखब हो गए। साल 2006 में परवेज मुशरफ की खुद नविश्त इन द लाइन ऑफ फायर के उन्वान से शाया हुई। मार्च 2007 में मुशरफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तखार मोहम्मद चौधरी को उस वक्त मुअत्तल कर दिया जब जज ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 20 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को बहाल किया और परवेज मुशरफ की मुअत्तली को कलदम करार दे दिया। ताहम जब मुशरफ ने 3 नवंबर 2007 को मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की तो चीफ जस्टिस को दोबारा माजूर कर दिया गया। एमरजेंसी के 25 दिनों के अंदर परवेज मुशरफ ने अपने आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इनके बाद जनरल अशफाक परवेज कियानी ने यह चार्ज संभाल लिया। मिला आखिर 15 दिसंबर 2007 को परवेज मुशरफ ने जो उस वक्त भी सदर थे एमरजेंसी उठा ली। साल 2008 के आम इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली पीपल्स पार्टी के जेर क़यादत मखलूत हुकूमत ने परवेज मुशरफ को रजाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मौका देने के बाद इनके मुआवजे के लिए पार्लियामानी तरीक़ेकार पर गौर शुरू कर दिया था। परवेज मुशरफ ने इब्तिदा में इस्तीफा देने से इनकार किया और जब इत्तेहादी हुकूमत ने इनकी बरतरफी के लिए बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की तो मुआखज़े के हतमी अंजाम तक पहुंचने से पहले उन्होंने रजाकाराना तौर पर ओहदा छोड़ दिया। परवेज मुशरफ को बेनज़ीर भुट्टो, नवाब अकबर बुगटी के कत्ल और नवंबर 2007 की एमरजेंसी के बाद 62 जजों की गैर कानूनी कैद से मुतालिक मुकदमात में भी नामजद किया गया था। तहम मार्च 2013 में सिंध हाई कोर्ट ने इन्हें तीनों मुकदमात में हिफाजती जमानत दे दी थी।
साल 2010 में साबिक फौजी हुक्मरान ने अपनी सियासी जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML का आगाज किया। 5 अप्रैल 2013 को परवेज मुशरफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डाले जाने के बाद इन्हें बैरून मुल्क सफर करने से रोक दिया गया था। तहम बाद में साबिक सदर का नाम वजारत दाखिला ने ECL से निकाल दिया और वो 17 मार्च 2016 को इलाज के लिए दुबई गए और कभी वतन वापस नहीं आए। सितंबर 2018 में ये बात सामने आई कि वो एक गैर तशखीस शुदा बीमारी की वजह से तेजी से कमजोर हो रहे हैं। एक माह बाद ये बात सामने आई कि वो इमाइलियाडोसिस नामी बीमारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से इनकी नकलो हरकत मुतासिर हुई थी। मार्च 2019 में इन्हें एक रिएक्शन हुआ और वो अस्पताल दाखिल हुए। 17 दिसंबर 2019 को खसूसी अदालत ने संगीत गद्दारी केस में ट्रायल शुरू होने के 6 साल बाद परवेज मुशरफ को सजाए मौत सुना दी। ये मुकदमा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने परवेज मुशरफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करते हुए आइन को मुअत्तल करने पर दायर किया था। तहम एक माह बाद लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशरफ के खिलाफ साबिका हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम इकदाम को गैर आइनी करार दे दिया था, जिसमें संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में शिकायत दर्ज कराना और खसूसी अदालत की तशकील के साथ साथ इसकी कार्रवाई भी शामिल है, जिसके नतीजे में परवेज मुशरफ की सजा खत्म हो गई थी। ताहम अदालती हुक्म की तामील से कबल ही डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशरफ 5 फरवरी के रोज हिमाइलियाडोसिस नामी गैर मामूली बीमारी के साथ तवील जंग के बाद 79 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।